देखिए एक बार तो मैं फिर से आपको समझाऊं कि जो हम संविधान की बात करते हैं कि संविधान बाबा अंबेडकर ने या कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया है, तो ये अर्ध सत्य है, ये पूर्ण सत्य नहीं है। तो फिर पूर्ण सत्य क्या है? पूर्ण सत्य ये है कि हमारे संविधान का 80% हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से अडॉप्ट किया गया, वो मिलाया जा सकता है। 20% हिस्सा जो हमारी कंस्टिट्यूएंट असेंबली और बाबा अंबेडकर ने वो भी कहीं दूसरी जगह से अडॉप्ट किया है, ये सभी चीज़ें अलग अलग जगह से आई हैं, उनका नाम है प्रेम्बल, फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये अत्यंत दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे संविधान ने भारतवर्ष में हर किसी को समान बनाया है, उसे जाति, धर्म, रेस, संप्रदाय, सेक्स और रिलीजन के आधार पर उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है, और यदि ऐसा होता है तो फंडामेंटल राइट के तहत आप कोर्ट से न्याय मांग सकते हैं। इसके बावजूद भी हमारे राजनेताओं ने अपने वोट के लाभ के लिए हमें जाति और धर्म में बांटा और संविधान की मूल भावना के विपरीत कानून बनाए। हमारी ब्यूरोक्रेसी ने इस राजनीतिक धूर्तता को छिपाने के लिए उसे अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन का नाम दिया। हमें अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं, समृद्धि और सामर्थ्य पैदा करने की बात करना चाहिए, वो नहीं किया है। अब आपको बात समझ आई है? तो जो भी ये संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं उनका पालन नहीं किया गया है। आप बताइए, हमने जो है अपने मुसलमानों के लिए एक पूरा देश पाकिस्तान दे दिया, कम से कम अब भारत में तो सभी नागरिक बराबर होना चाहिए थे कि नहीं होना चाहिए थे? होना चाहिए था। फिर ये भेदभाव क्यों पैदा किया गया? बकबोर्ड एक्ट क्या धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं है? बिल्कुल है। क्या माइनॉरिटी मिनिस्ट्री इसी आधार पर भेदभाव नहीं है? क्या वर्शिप प्लेसेस एक्ट में सेक्शन 4 में आपने आपसे न्याय की भीख मांगने का भी हक छुड़ा लिया है? तो जो ढेर सारी भारतीय धरोहरें थी जिन्हें आताताइयों ने अपने समय पर अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए उन्हें तोड़ा, आज़ाद होने के बाद उसका स्टेटस क्वो बने रहने का जो है नियम कानून 1991 में नरसिम्हा राव की लूली लंगड़ी कॉलिशन गवर्नमेंट ने किया, फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रचंड बहमत के साथ उपस्थित थे, उन्होंने बाद में तो उनको राज्यसभा में भी बहुमत मिल चुका था, उन्होंने ऐसे सभी एक्ट जो कि लगभग 50 हैं जिसमें कि धार्मिक और जाति के भेदभाव का जो है सोच और चिंतन है, उन्हें रिपील क्यों नहीं किया? शायद बांटे रखने के लिए नहीं, उस शायद बांट के रखने के लिए, शायद इसी बात की तलवार आपके ऊपर लटकाए रहने के लिए, और तीसरा बहुत बड़ा कारण है कि आप में एका नहीं था, एका नहीं। आप जो है मजबूत होकर ये नहीं कह पा रहे हो कि आपको क्या चाहिए। राजनीतिक पार्टी कह रही है हम आपको ये देंगे, हमें आपसे चाहिए ही नहीं। हम ये बताएं ना कि 21 लक्ष्यों के साथ 4 मौलिक अधिकारों के साथ हमें ऐसा भारत चाहिए, यही हम आपसे कह रहे हैं कि आप साथ में खड़े हो जाइए, हम जो है उसके आधार पर जो है ना जो भी सरकार में बैठा है उससे कहेंगे कि हमें ऐसा भारत चाहिए, यदि आप दे रहे हो तो आगे आप आओगे, नहीं तो हम जो है ना स्वयं अपने जो है ना 543 ऐसे साथी जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के 100 करोड़ लोगों को जोड़ने में अपना योगदान करेंगे, उनके पास संसद का टिकट पहुंच जाएगा और हम 100 करोड़ लोग उन्हें छत पर चढ़कर थाली बजाकर दीपक जलाकर उद्घोष करते हुए संकल्प लेंगे और ईवीएम मशीन में बटन दबा के जिताएंगे, तो उस व्यक्ति को बिना 5 पैसे खर्च किए टिकट मिल जाएगा और उसे जो है ना अपना पंपलेट छापना होगा, ना लीफलेट छापना होगी, ना होर्डिंग करना होगी, ना ही किसी के दरवाजे पर जाके वोट मांगना होगा। वो संकल्प के साथ जीत जाएगा कि नहीं जीत जाएगा? बिल्कुल जीतेगा। और फिर वो जो प्रार्थना आप माननीय नरेंद्र मोदी जी से पिछले अगले 5 साल तक करने वाले हैं, वो काम वो खुद पार्लियामेंट में बैठ कर खुद कर लेगा। फिर से सवाल ये उठता है
कि क्या हम अपने हित के लिए, अपने बच्चों के हित के लिए थोड़ा स्वार्थी हो सकते हैं क्या, नंबर वन, और उस स्वार्थ के पीछे हम खड़े होने के लिए तैयार हैं क्या, नंबर दो। नंबर तीन, उसके साथ जो है फिर हम माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करें कि हमें ऐसा भारत आप दो, तो 240 241 सीट के बाद भी माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने आप को स्ट्रांग और मजबूत भी महसूस करेंगे और मजबूर भी महसूस करेंगे। संभावना है कि अभी 2024 में ही 21 टास्क फोर्स गठित हो जाएं और वो इबादत जो अब अदरवाइज आप 2029 के बाद करेंगे वो उसकी कार्रवाई आज चालू हो जाएगी, तो आपको महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा और माननीय नरेंद्र मोदी जी को ही आगे अपन कंटिन्यू करा देंगे। अब यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारी बात नहीं मानते हैं तो हमारे 543 लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे, उनके पीछे 100 करोड़ लोग खड़े हुए हैं, वो जो है ना विजयी हो जाएंगे और फिर जो प्रार्थना आप माननीय नरेंद्र मोदी जी से कर रहे हैं वो आप स्वयं जो पार्लियामेंट में जाकर पूरा कर पाएंगे। इसमें कोई शक सवय है क्या? नहीं, संगठन की शक्ति चाहिए बस, और शक तो कुछ भी नहीं है, संगठित और तो एक छोटा सा प्रयास जिसमें 5 पैसे नहीं लग रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं? आने वाले अच्छे कल, अच्छे भविष्य के लिए यूं इसलिए कर रहे हैं हम, इसलिए स्वार्थी हैं, हमें स्वार्थी बनना है, बनना है वही, इसलिए हमें इस लक्ष्य के लिए लोगों को जोड़ना है और उनको संकल्प और शपथ दिलाना है, अकेला फॉरवर्ड नहीं करना है। अब देखो 2500 चीज़ें, हजारों चीज़ें चारों तरफ फॉरवर्ड हो रही हैं, आपको समझने के लिए समय नहीं है, तो हम एक अपने से जुड़े लोगों की एक संगोष्ठी क्यों नहीं बुला सकते हैं हम उन्हें चाय पे आमंत्रित कर सकते हैं, और जो लोग हमारे पास आने की स्थिति में नहीं है या नहीं आ पा रहे हैं हम उनके यहाँ चले जाएं कि बहुत दिनों से आपके यहाँ चाय पीने नहीं आए हैं, आपके यहाँ चाय पीने आ रहे हैं, आप अपने पड़ोसियों को, अपने मित्रों को, उनको भी बुला लीजिए, हम महापरिवर्तन के लिए चाय का नाम दे दें। और जब हम इतने सारे अनुष्ठान कर रहे हैं, भोज कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, भागवत कर रहे हैं, सत्यनारायण की कथा कर रहे हैं, तो अपने बच्चों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, महापरिवर्तन के लिए ऐसा ही कर लें और वहाँ पर चर्चा करें और संकल्प लें और शपथ लें, तो 9 दिन में चमत्कार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल होगा, इच्छा शक्ति से सब कुछ संभव है। तो क्या इस इच्छा शक्ति से आप काम करेंगे या शमशान ज्ञान के जैसे ही बाहर निकलेंगे और नहीं, आप जो है ना अपने दुकान के काम में लग जाएंगे? नहीं, कार्य भी अपनी जगह आवश्यक है, बट हमें हर चीज को समय देना है। चलिए, तो आप अपने देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा सभी से ये संदेश है कि इस अभियान से हम सबको जुड़ना चाहिए, जो कि हमारे कल के भविष्य के लिए बहुत उत्तम है।